अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारे साथ सैयद नूर हुसैन सर मौजूद हैं, जिन्होंने CSA 2020 में 20वीं पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इनकी एलोकेशन हुई। सर कैसे हैं आप, खैरियत है? मैं ठीक ठाक सर थैंक यू हूँ। सो मच, आपने टाइम मैनेज किया और आप होपफुली ये सेशन जो है काफ़ी बच्चों के लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि नोट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं बनाना CSS की तैयारी के लिए, और इसको हम प्रॉपर किस तरीके से लेके चल सकते हैं शुरू से तैयारी के एंड तक। हमजा, नोट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने CSS की तैयारी कम से कम 1 साल करनी है, प्रॉबेबली ज्यादा है, मिनिमम 1 साल तो आपने करनी ही करनी है। तो नोट्स जो हैं दे सर्व अ वेरी क्रिटिकल पर्पस। वो आपकी मेमोरी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो भी आप तैयारी करते हैं इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसको जो वो पढ़ता जाए उसको वो याद आ जाए। ये बड़ी ही एक मिसकंसेप्शन है, और बहुत ज्यादा लोगों को ये भी फील होता है कि उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है, उनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं याद रखे जाते। तो मैं आपको बताता चलूं कि किसी से भी नहीं रखे जाते, इसलिए नोट्स एक बहुत ही अहम किरदार जो है ना वो अदा करते हैं। दे सर्व एज योर मेमोरी। जब आप एक टॉपिक कवर कर लेते हैं आपने उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब पहली दफा आप कोई टॉपिक कवर करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने सही तरह नोट्स बनाए हैं, आपने उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसके कॉन्सेप्ट सही तरह अपने पास नोट डाउन कर लिए हैं, तो इवेंचुअली इट वॉन्ट टेक यू अलॉट ऑफ टाइम द नेक्स्ट टाइम। एंड दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ नोट्स, कि जब आपने पहली दफा 2-3 दिन लगा के एक टॉपिक किया, 1 दिन लगा के किया, उसके बाद आपके नोट्स एग्जैक्ट वो इंफॉर्मेशन आपको घंटे में प्रोवाइड करने चाहिए। दैट इज द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड मेकिंग गुड नोट्स। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने नोट्स जो हैं वो डिजिटल बनाए काफी सारे। उसकी वजह ये थी कि मैं ये चाहता था कि मैं अपने नोट्स को अपडेट कर सकूं। अगर आप 1-1.5-2 साल तैयारी कर रहे हैं और उसमें नई से नई चीजें आती जा रही हैं, आप खुद भी इवॉल्व होते जा रहे हैं, आपको पता चलता है कि यार आपके आइडियाज तो काफी इमेच्योर थे जब आपने शुरू किया, और उसके बाद आप मेच्योर होते जाते हैं और आप उसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, कोई नई डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं, तो डिजिटल नोट्स सर्व द पर्पस वेरी वेल। आपकी वही एक वर्ड फाइल है और वो 1 साल के प्रोसेस में जो है वो अपडेट होती जाती है। लोग रजिस्टर पे भी बनाते हैं, वो भी ठीक है, पर मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने किया, दैट सूटेड मी। ठीक है, दूसरी चीज जो डिजिटल नोट्स का फायदा ये होता है कि आप पिक्चर्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हो उन फाइल्स में। स्पेसिफिकली अगर आपका IR सब्जेक्ट है या करंट अफेयर्स आप कवर करना चाह रहे हैं तो उसमें मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर फर्स्ट करें रिवर्स हैं या कोई जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, कोई भी ऐसी चीज है, तो उसका आप अपने नोट्स में पिक्चर ऐड कर लें। और बाद में जब आप रिवाइज करेंगे, ये कभी ना भूलें कि जो इंसान है उसको विजुअल जो है इंफॉर्मेशन वो ज्यादा इजीली प्रोसेस करता है, तो मेक गुड यूज ऑफ पिक्चर्स। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्रीज देखें, यूट्यूब की वीडियोस देखें, यू विल बी एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन मोर एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अच्छा, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो से किसी चीज की रिसर्च करेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे तो फिर आपने उसको कैसे लेके चलना है। फर्स्ट करें आपको एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपने उसको कैसे लेके चलना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं और फिर उसको कैसे डेवलप करना है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक वर्ड की फाइल खोली है और मैं इसी तरह नोट्स बनाता था कि आप इमेजिन करें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह नोट्स बनाता था और मुझे उसका क्या फ़ायदा हुआ है। अगर फर्स्ट करें हमने वाटर क्राइसिस के नोट्स बनाने हैं, तो आपने अगर सबसे पहले उसके ऊपर हेडिंग वगैरह दे दें ऑब्वियसली। अब असल इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने जो है ना सवाल पूछने हैं स्पेसिफिक, जिसके आपने फिर आंसर रीच करने हैं, उसके हिसाब से आपने चलना है। आपको पता होना चाहिए कि आजकल क्या सूरत हाल है वाटर क्राइसिस की या वाटर रिसोर्सेज की पाकिस्तान में। आपने ये पूछना है कि ये हालात ऐसे हुए क्यों हैं, फिर आपने ये सोचना है कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात आपके जहन में उठते हैं, फिर आपने सोचना है कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ये सबसे बेसिक है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जाहिर है डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट सवाल होंगे, तो वो सवाल पहले आपने लिखने हैं। रिसर्च भी इसी तरह होती है कि आप पहले एक रिसर्च क्वेश्चन
एक्सपोज करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, आपने नोट्स भी ऐसे बनाने हैं। अब मेरे जहन में आता है कि मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि करंट सिचुएशन क्या है, तो मैं सबसे पहले अपनी वो लिख लूंगा कि मैंने कवर क्या करना है, करंट सिचुएशन ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, ठीक है, ये एक डायमेंशन है जो मैंने कवर करनी है और अपने रिसर्च में जो है वो इसको लेके आना है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वक्त क्या रिसोर्सेज हैं, कितने पाकिस्तान में डैम्स हैं, उनमें क्या पानी की कैपेसिटी है और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। फिर मैं समझना चाहता हूँ कि ऐसे हालात हुए क्यों हैं पाकिस्तान के, तो मैं उसके कुछ भी लिख लेता हूँ, फैक्टर्स लीडिंग टू द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये एक तरह के जो वो कॉजेज ही हो गए जो आपने रिसर्च करने। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इससे इफेक्ट क्या आता है पाकिस्तान के ऊपर, आप उसकी एक पूरी डायमेंशन बना सकते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में अभी आई है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, वो ये है कि पाकिस्तान के लिए पानी की क्या जो है वो अहमियत है, आप उसको भी यहाँ ऊपर ऐड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, ठीक है। हमने इम्पैक्ट्स तक बात की, फिर हम आगे सॉल्यूशंस। अब ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जी, और इस फ्रेमवर्क को अगर आप सही तरह फॉलो करेंगे तो आप इवेंचुअली पूरे का पूरा जो है वो वाटर का टॉपिक कवर कर सकते हैं। जब आप रिसर्च करेंगे, डोंट रीड रैंडम आर्टिकल्स। जनरली लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, हम दिन के 20 आर्टिकल पढ़े हैं, हम 30 पढ़े हैं, आपने ऐसे नहीं करना, इस तरह आप रैंडम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं। आपने टारगेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपने टॉपिक ओरिएंटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं। जब आपने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, आपने सिर्फ उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने हैं, ये डायमेंशंस आपने पहले से लिखी हुई हैं, और जब आपको उसमें से कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फैक्ट मिले, दोनों में बहुत फर्क है, कॉन्सेप्ट या फैक्ट, वो आपने इस हेडिंग के अंदर नीचे डाल देना। इस तरह से आपने बिल्ड करना अपने नोट्स को। आपको नहीं पता जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वो कोई सोल्यूशन दे रहा है, वो कोई इम्पैक्ट की बात कर रहा है या वो करंट सिचुएशन की बात कर रहा है, लेकिन आपके जहन में वो एक पूरी जो है वो पूरा एक बैकग्राउंड है कि आप किस तरह का फैक्ट उससे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरा ये तरीका होता था, मैं पहले इस तरह से डायमेंशन बना लेता था, इस वक्त मेरे जहन में यही सारी याद हैं, ठीक है। और एक और चीज भी हो सकती है कि क्या कोई पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी है, आप उसको पहले से ही लिख लें वाटर पॉलिसी, क्योंकि उस पर आपने रिसर्च करनी है। अब हम शुरू करते हैं कि रिसर्च करनी किस तरह है। अब मैं जो हूँ वो आ जाता हूँ ऑनलाइन गूगल पे, ये शेयर हो रही है ना हमजा? गूगल नहीं, आपका शो हो रहा, अभी आपका वर्ड ही शो हो रहा है, आप उसको दोबारा से। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है मैं उसको कर लेता हूँ। अच्छा, ये अब जो है वो गूगल आ गया है, ठीक है ना। अब मैंने इस पर रिसर्च करनी है कि वाटर के ऊपर, अब मुझे आप इमेजिन करें आपको कुछ भी नहीं पता वाटर का, जीरो आपका नॉलेज है, आपने इस तरह से शुरू करना है, क्योंकि हर टॉपिक जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल वाटर क्राइसिस स्पेसिफिकली शायद बुक में हो भी ना, तो आपने गूगल पे जाके लिख देना है कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं, और आप जो डॉन वाला खोल लें। अच्छा, आप देखेंगे कि शुरू में ही पहली ये लाइन है, पाकिस्तान आर्ग्यूबली बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वाटर स्कार्सिटी, ठीक है ये एक बात है, इसके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये हमें पता है। उसकी दूसरी लाइन देखें, द कंट्री फेसेस एक्यूट वाटर स्कार्सिटी बाय 2025 एंड विल बी द मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री इन साउथ एशिया विद इन 2 decades। अब ये एक बात है और ये एक सॉलिड बात है, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और अपनी उसमें जाके मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अब ये आपके पास एक फैक्ट बेस्ड चीज आ गई है जो आपने डॉन से ली है, ठीक है, ठीक है। द कंट्री फेस, अब ये आप बात जो है ऐसे में भी कोट कर सकते हैं, अपने वाटर के उसमें भी कर सकते हैं, और ये जो है प्रॉपर रिसर्च बेस्ड है। इस तरह से आपने करके जो है वो चीजें कलेक्ट करते जाना पड़ा, तो मुझे पता चला कि द 2018 नेशनल वाटर पॉलिसी नीड्स अ रिवैम। अभी तक मुझे नहीं पता था कि कोई पॉलिसी भी है, लेकिन अब मुझे एक आर्टिकल देख के पता चल गया है कि अच्छा एक पॉलिसी भी है पाकिस्तान की, तो मैं उसको रिसर्च कर लूंगा कि
2018 water policy of पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया, और ये देखें गवर्नमेंट की वेबसाइट भी आ गई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नाउ दैट्स हाउ आई फाउंड आउट के यार एक नेशनल वाटर पॉलिसी है 2018 की। अब आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट उससे कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता चल गया कि वाटर पॉलिसी है। अब आप उसमें लिखते हैं वाटर पॉलिसी 2018, अगर आप उसके अंदर से भी सर्टेन पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कि व्हाट इज दैट वाटर पॉलिसी, तो आप उसको पढ़ लें, उसमें से कर लें। इस तरह से आपने अपने जो नोट्स हैं वो बिल्ड करते जाना है, रिसर्च कर करके। जब आपको कोई बुक से बात पता चले आप वो इसमें डाल दें, जब आपको कोई ऑनलाइन बात पता चले। इस तरह होगा क्या कि आपके माइंड पे ये जोर नहीं पड़ेगा कि आपने सब कुछ उसी वक्त मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते आप। इस तरह आपके पास एक अपना डॉक्यूमेंट बिल्ड होता जाएगा जो कि एवेंचुअली ब्लूप्रिंट है आपकी तैयारी का। इसलिए ये इसको इस तरह से करना है आपकी तैयारी, ठीक है। इसी तरह आपने सारे के सारे जो हैं वो हेडर्स जो हैं वो फिल करते जाना है। मैं फिर उस पर आ जाता हूँ। अगर आप कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की फेमस रिपोर्ट है पाकिस्तान के ऊपर। अब मैंने इसमें सर्च किया वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान वाटर, ये रिपोर्ट आ गई है, आप इसको पढ़ लें। अगर इसकी कोई एग्जेक्टिव समरी आप उसको पढ़ लें, उसमें से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स लेना चाहते हैं वो लें और अपनी फाइल में ऐड कर लें, ठीक है। इस तरह से आपने बिल्ड करना है। जब आप अगर इम्पैक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप इम्पैक्ट्स सर्च कर लें, इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। इसमें देखें आपको एक ऊपर आर्टिकल मिल रहा है, आप इसमें से कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपके साथ उस आपके अंदर वो नॉलेज अब्सॉर्ब भी होता जाएगा, और जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आप जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि कुछ कॉजेज भी आ रही हैं यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज इसमें लिखा हुआ है, देखें पॉपुलेशन इंक्रीज एक रीज़न है, एक एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब आपने अपने उसमें ऐड कर लें क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, इसको जो है आप अपने मेन हेड्स बना लें जो मेजर डायमेंशंस हैं। इनके अंदर फर्दर आप डिटेल ऐड करें कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो उस पर इफेक्ट कर रहा है। इस तरह से आपके पूरी हायरार्किकल नोट्स तैयार होंगे, आप समझ रहे हैं। और जब आप एक अगला आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें आपको कोई और फैक्टर मिल जाता है, आप उसमें एक और फैक्टर यहाँ ऐड कर दें। इस तरह आप उस चीज को कंपाइल करें एक जगह पे, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ऑनलाइन का जो है नोट्स का एक और फायदा क्या है कि अगर आप उसको विजुअली देखना चाहते हैं तो आप कोई मैप लेके उठा के डाल सकते हैं। जिस तरह अगर ये एक मैप है पाकिस्तान के रिवर्स का, या ये वाला ले सकते हैं, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और अपने पास यहाँ पर डाल लें जस्ट फॉर रेफरेंस। और जब बाद में आप अपने पेपर में वो मैप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ओवरऑल थोड़ा सा पता होगा कि यार कौन सा रिवर कहाँ पे, और भी मैप्स ऐड कर सकते हैं, उनको कंपाइल करके आप अपना कुछ बनाते। इस तरह से आपने रिसर्च करनी है अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हैं। मैं बहुत रिकमेंड करूँगा आप डिजिटल नोट्स ही बनाएं। तो मेरे अपने जो वाटर क्राइसिस के नोट्स हैं वो ये हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये मेरे अपने नोट्स हैं वाटर क्राइसिस के, ये बहुत लेंथी नोट्स हैं, और क्योंकि मैंने ये शुरू के टॉपिक्स में से है जो मैंने कवर किया था, तो दे वर बिट लेंथी। मुझे बाद में समझ आई थी कि इसको थोड़ा शॉर्ट भी किया जा सकता था, लेकिन ये आप तजर्बे से ही सीखते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है। लेकिन मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पेपर में फाइनली आया भी था वाटर का क्वेश्चन, तो आई वॉज एबल टू डू दैट क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि मेरे अपने नोट्स क्या हैं कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान हेडिंग दे दिया, करंट सिचुएशन है उसमें मैं बता रहा हूँ कि वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ प्लमेटेड फ्रॉम अबाउट 5,000 मीटर क्यूब पर कैपिटा इन द अर्ली 1950s टू लेस देन 1,500 मीटर क्यूब पर कैपिटा टुडे। इस तरह मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने इम्पोर्टेंस बताई पाकिस्तान
के लिए वाटर की, उसमें मैंने ये बता दिया कि 90% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू इरिगेशन एग्रीकल्चर और मोर देन 65% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो इससे पता चला कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के लिए पानी कितना जरूरी है, पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। एक इम्पोर्टेंस मुझे मिल गई, वो मैंने डाल दिया। फिर आगे मैंने जो उसकी जो कॉजेज हैं, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, वो निकाल दिए। उसमें सबसे पहले मैंने हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे फोकस किया, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू में पानी का बिल्कुल कोई जो है वो बहरान नहीं था, इनफैक्ट पाकिस्तान बहुत बेहतर जा रहा था। इसमें सारे सारे फैक्टर्स आ गए, सॉल्यूशंस आ गए हैं, इवेंचुअली नेशनल पॉलिसी आ गई है। और इस तरह से पाकिस्तान वाटर चार्टर आ गया 2018 में। ठीक है, इस तरह से मेरे सारे नोट्स बन गए।